आइए मिलते हैं पहला कदम की कलाकार से। पहले आपका नाम? ये प्रीति मिश्रा। ये आप प्रीति मिश्रा हैं, ये है इनकी प्रीति। तो आप ये कितने अभी आपकी पेंटिंग लगी है? तो इसके बारे में बताइए। प्राचीन आर्ट है, मधुबनी आर्ट है ये। हाँ। ये पेन और पेंसिल कलर यूज करके मधुबनी आर्ट हमारे कल्चर को बिलोंग करते हैं, जो एक पटना और सहरसा वगैरह इलाके में काफ़ी यूज होते हैं। वहाँ के हर एक घर में जो कच्चे मकान होते हैं उसकी दीवारों पे मधुबनी आर्ट बनाया जाता है। वहीं से जब हम देखें तो हम बहुत आकर्षित हुए वो पेंटिंग को देखते, तो इसलिए हम सोचे कि हम मधुबनी आर्ट बनाएंगे और अपने कल्चर को आगे लेते जाएंगे। ठीक, तो ये पहला कदम में आपके, आप पहले भी कहीं किसी प्रदर्शनी में भाग ले चुकी हैं? पहली बार आपने भाग लिया, और शायद आपकी प्रदर्शनी एक पेंटिंग बिकी भी है। चलिए, तो बधाई हो आपको। आप अंजलि मिश्रा जी की ये पेंटिंग है, माँ सरस्वती की पेंटिंग। तो पेंटिंग के बारे में बताइए। ऑयल कलर से कैनवास पर किया गया पेंटिंग है, और ये मेरी फर्स्ट ऑयल कलर पेंटिंग है जो मैंने सती क्लास में सीखी। पहले पेंटिंग? हाँ, ऑयल कलर। ऑयल पहले क्या करती थी? पहले मैंने वाटर कलर 2015 में किया, वो भी पेंटिंग मैंने यहाँ पे लगी हुई है, वो भी सती क्लास में सीखी गई है। मैं यहाँ बहुत पहले से आती हूँ, सारी सीखी हुई है। तो आपकी अभी कितनी पेंटिंग यहाँ लगी? सात। आपकी भी पेंटिंग कोई बिकी है? कौन सी पेंटिंग बिकी है? तो कैसा आपको लग रहा है ये जो कला देखा? और पहला कदम के बारे में बताइए। ये जब सुने सर से कि ये खुल रहा है, तो एक मन में बहुत खुशी हुई कि हम लोग को भी ये सब दिखाने का मौका मिल रहा है। ऐसे तो सिर्फ घर में लगा रहता था ये पेंटिंग, और जब यहाँ आई तो इस पेंटिंग की खूबसूरती और बढ़ गई। जैसे मुझे मतलब सब कोई जाने कि ये हम बनाए हैं, तो बहुत खुशी हुआ। ये सब सर के कारण है, ये सब श्रद्धा से जा रहा है। आइए बढ़ते हैं माधव शर्मा जी। तो आपकी कितनी पेंटिंग यहाँ सकम? छः। पहले कहीं किसी प्रदर्शनी में आपने भाग लिया? कितनी उम्र है आपकी? सर 16 साल। 16 साल। तो मैंने बताया आपको कि 15 साल से 21 साल की उम्र वाले कलाकारों की ये प्रदर्शनी है, और आप 16 साल के हैं। तो कब से कहाँ सीखा आपने? कहीं से नहीं सर, सेल्फ लर्नर। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तब घर में सब ऐसे ही फ्री टाइम सबके पास था, तो मैंने उस टाइम का सोचा यूज़ करने का, और मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया स्केचिंग वगैरह करना, और एक साल की प्रैक्टिस मैं यहाँ तक आया। तो ये पेंसिल और चारकोल से? हाँ, ये चारकोल पेंसिल से, दोनों चारकोल से बनाया। तो आपने सिर्फ पेंसिल बना, सिर्फ पेंसिल और चारकोल से ही काम करते कि? नहीं, मैं पेंटिंग्स वगैरह भी करता हूँ, मतलब सारे मीडियम को ट्राई करने का एक वो है। तो कैसा लगा पहला कदम में आपने, कैसा लगा? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया लगा। अभी आपने ये चित्र जो आप देख रहे हैं ना, आप लोग ये अमित प्रियदर्शी का बनाया हुआ है, इस तरह का इससे भी खूबसूरत कई तरह का ये कलाकृति ये बना चुका है, और ये बनाते रहेगा, ये बहुत आगे जाएगा। अगले कलाकार हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम शीतल नरोने है। सो सो। शीतल नरोने है मेरा नाम। ये सेन आर्ट है मेरा, यहाँ पे 5 से 6 पेंटिंग लगा हुआ है। मोस्टली जो सब्जेक्ट है पेंटर का, जो अंदर इनर फीलिंग होता है वो आप अगर देखें तो आपको पेंटिंग में दिखेगा। तो आर्टिस्ट क्या पेंटर की इनिंग, इनर फीलिंग। अंदरूनी जो आंतरिक भावना जो होती है वो पेंटिंग में दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, तो अब इस ये जो सैंड आर्ट जो है, जैसे कि मोस्टली मेरा जो पेंटिंग है, तो आज तक जो मैंने 2 वर्षों में सीखा है, इसमें 2 वर्षों में मैंने ज़्यादातर एक मदर चाइल्ड का पेंटिंग मैंने ज़्यादा बनाया,
और दूसरा है कि राधा कृष्ण का। तो ये दो लव जो होता है मोस्टली बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ह्यूमन बीइंग हो या मतलब सजीव आदमी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। इनर फीलिंग की पहले आपने बात की, मैं इसमें जाऊँ कि इसमें आपकी क्या इनर फीलिंग है? ये मोस्टली एक फादर का हैंड है और उसमें बच्चा है, तो वो एक बाप और बेटे का जो संबंध होता है, जो प्यार होता है, वो इसमें दिखाया गया है कि वो भावना कैसी है। एक्चुअल में माँ जो है वो तो शिशु को 9 महीने गर्भ में रखती ही है, उसको कष्ट से पोसती है, खून से सींचती है, लेकिन जो बाहर निकलता है जब बच्चा, तो फादर भी कमेंट करते हैं उसके लिए। पसीना जो होता है वो खून की तरह ही बनता है, बहता है, तो वो इसमें दिखाया गया है कि मैं इस बच्चे को इस हाथ में ऐसे ही रखूँगा जैसे माँ अपने घर में बच्चे को रखी, तो फादर भी दिखा रहे। तो आपने ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया, सैंड और उडन? उडन में ही है लेकिन मेरा यहाँ पे अभी नहीं लगा हुआ है। अच्छा, आपका नहीं? हाँ, उडन पास ही है, कुछ साइड के पास। कितने साल से? 2 साल हो गए। तो ये पहली प्रदर्शनी है आपकी? आपके भी कोई पेंटिंग या कोई कृति जो है? नहीं, अभी तक तो नहीं। मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ, मल्लिका सिंह, आपकी पेंटिंग से लगता है कि आपको नेचर से बहुत प्यार है। जी सर। तो बताएं क्या है, किस तरह की पेंटिंग बनाई है आपने? ये मैंने नेचर का एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, तो इसमें से खूबसूरती को दर्शाता है कैसे नेचर हम लोग, खूबसूरत नेचर है, इसी को दर्शाता है। आपने कब से सीखा, कब, कितने साल से सीख रही है? मैंने सीखा तो नहीं है, बस वो देख के, तस्वीर देख के मैंने बनाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर से करके आ जाइए, निश्चित रूप से आपका भी एक प्रयास करूँगा, पहला प्रयास होगा। ये पेंटिंग पहले से आपने बनाई है कि प्रदर्शनी के लिए? नहीं, ये पहले से ही उसको बना कर रखे थे, और प्रदर्शनी के लिए हम पीछे वाले जो थे वो बनाए, और ये थोड़ा हम पहले बनाए थे। बताएं इसके बारे में। ये पूरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ पे जो रथ यात्रा निकलती है उसमें बहुत सारे भीड़ होता है, और मतलब हर्षोल्लास बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बस उसको दिखाने की कोशिश की। मेरा थीम वही है सर, और वाटर कलर का यूज़ किया हम किसी के लिए, बस थोड़ा मिक्स। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम शो करने से पहले ही पेंटिंग मेरी सेल हो गई दिल्ली में, तो चलिए शो। तो आप प्राची कुमारी हैं, तो आप कब से सीख रही हैं पेंटिंग? मैं 6 साल से सीख रही हूँ यहाँ पे पुपू सर के पास। अच्छा, तो आपकी भी पहली प्रदर्शनी है, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, सारे पेंटिंग्स बहुत अच्छे हैं, तो पहली बार लगी है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो ये मेरे ख्याल से कलर पेंसिल से? जी जी। और किस माध्यम से काम करती हैं? नहीं नहीं, मैं स्केच भी करती हूँ, मैं शेडिंग भी करती हूँ, और बस पेंसिल कलर। कृष्ण कन्हैया है, महिला है। हाँ। और क्या है? ये दो ही आपके? नहीं, एक और है। हाँ। फ्लावर। चलिए एक ये फूलों के साथ प्राची, चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। हाँ सर। अदिति, तो आप कब से सीख रही हैं? मधुपुर में रहती हूँ, तो सर से कभी सीख नहीं पाई, लेकिन मैं सोशल मीडिया के थ्रू सर से जुड़ी हुई हूँ, जिस कारण मैं भेजते रहती थी और ऐसे पोस्ट करते रहती हूँ, तो जो भी त्रुटि होती है, जो कमी रहती है, वो सर बताते हैं, उस कारण ही मतलब जो भी प्रोग्रेस हो पाया है, तो सर का ही मैं श्रेय देना चाहूँगी, और भी मैं सभी गुरुजनों का। तो आप तो जो पेंटिंग बनाती हैं, जो हमारे धार्मिक जो यहाँ गणेश जी हैं, कृष्ण हैं, तो
आपने इनको जैसे गणेश जी को आपने इस रूप में देखा, तो इसके पीछे क्या करना, क्या दिखाना चाहिए? सर मैं मतलब ये कॉपीराइटर मैं ऐसा देखी थी कोई आर्टिस्ट का भी बना हुआ, तो मैं बस उसी को उसी रूप में मतलब बैठाने की कोशिश की हूँ कि मैं कितना हद तक उस बना सकती हूँ, तो मतलब कितना सीखी हूँ अब तक। तो बस ये मेरा क्रेयॉन्स का बना हुआ है, टाइल्स आर्ट या कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं ज़्यादा जाने हैं बट ऑयल पेस्टल वर्क पर ही अभी मैं ज़्यादा वर्क कर रही हूँ, तो उसी पर। और ये कृष्ण जी का मतलब जो कलरफुल मैं दिखाने की कोशिश की हूँ, तो ये मतलब नेचर से एनिमल से जो लव करते हैं उसी को मैं एकदम हर रंग में सजाने की कोशिश की हूँ, हर रंग दिखाने की कोशिश की हूँ। और मतलब मैं यही कहना चाहूँ कि छोटा मोटा ही पेंटिंग है अभी, लेकिन यहाँ पे मैं सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मतलब एक मंच के तौर पे मिल पाया। ये सब ड्राइंग कॉपी ये सब में ही रह जाता था, लेकिन यहाँ पे लगा तो इतने सारे लोग आए देख रहे हैं तो खुशी हो रही है। बाकी जो बाकी जो प्रतिभागी हैं उनकी भी कृतियों को देखना, उनकी पेंटिंग हाँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि यहाँ पे मेरी 3 पेंटिंग्स प्रदर्शनी में लगी और सब कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सर का बहुत धन्यवाद करती सर। कौशल जी, ये आपने गणपति जी को एक खाता बही के साथ जैसे पीछे क्या है? ये मेरा जो पेंसिल स्केच है, ठीक है, इसके बीच में मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कौशल। तो पहले तो मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, वे प्लेटफॉर्म इतना अच्छा तैयार किए। मैं करीबन ये इन्हें से जो है 5 साल पहले बनाया था, ठीक है, लेकिन वो दीवार में मेरा टंगा हुआ था, तो सर ने ये प्लेटफॉर्म दिया इस वजह से मैं यहाँ पे इसे लगा पाया। कैसे लगा? और भी बहुत से बहुत अच्छा लगा सर, अपने आप में पेंटिंग बनाई, दूसरों की पेंटिंग देखिए कुछ और प्रोत्साहन उनको मिला कि मैं ये जो टंगा हुआ था अभी तो बीच में मैं छोड़ दिया था, अब आगे से और आगे भी कर। और एक सही हो और तो हेमंत जी, अभी तक ज़्यादातर अपने स्केचेज दिखे हैं ऑयल पेंटिंग, आप उडन वर्क जी, आपका इंटरेस्ट इसमें ही? हाँ सर, इसमें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बचपन से ही दोजी के सानिध्य में रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको केवल स्केचिंग करना है या ऑयल कलर करना है या वाटर कलर करना है, आप अपने शौक के हिसाब से आप लकड़ी पे काम, जैसे इसके पहले आप मेरे बहन का काम देख चुके कि बालू पे उन्होंने काम किया है, साथ साथ हम लोग तरह तरह की चीज़ों की मूर्ति बनाते हैं, जिस तरह गुरुजी शिवरात्रि में अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं। तो आप कब से सीख रहे हैं? मैं 7वीं कक्षा में था तब से सीख रहा हूँ, तकरीबन 8-10 साल होने को है, और गुरुजी का सानिध्य लगातार मिलते जा रहे हैं और हम लोग ये सब सीख रहे हैं। बहुत ही चलिए, ये और कुछ बिल्कुल सर आइए देख सकते हैं। ऐसे ये हमारी छोटी बहन है जिन्होंने ये पेपर फोल्डिंग आर्ट बनाए हैं अपना, मतलब और इसको करते हुए ये मेरा आखिरी आर्ट है जो कि सूखे हुए लकड़ी और क्ले से, ये लकड़ी में ये रूप बना हुआ था। आप क्या बता रहे थे कि लकड़ी आपको मिली, ये आकृति पहले से बनी थी आपने? आकृति मैंने इसकी आकृति में, ये जो लकड़ी है इसी आकृति में थी, मुझे इसमें एक चेहरे का शक्ल दिखा तो मैं इसे चेहरा निकाल सकता हूँ, तो मैं थोड़े क्ले के इस्तेमाल से जो प्रोटीन आप लोग घर में दरारों को भरने में इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे इनके दरारों को भर के एक आकार दिया है, तो इससे एक बूढ़े आदमी की शक्ल आ रही है। किसी ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर है, किसी ने कहा कि अरिस्टू का आप बना रहे हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी का चेहरा बनाया है, अभी इसमें और भी काम मुझे करना है, तो ये एक रूप मैं इसको देते जा रहा हूँ धीरे धीरे, जब ये पूरा होगा आशा करता हूँ कि आपके टूर्नामेंट होंगे। अभी अपूर्ण है जी सर। अच्छा, आप 21 से ये प्रदर्शनी चल रही है? हाँ सर। तो जब इसके बारे में सुना, कैसे सुना आपने, कैसे पता चला?
मैं यहाँ पे चूँकि फुटरू सर का असिस्टेंट हूँ, मुझे इस बात की जानकारी पहले से, साथ ही मैंने अपने सभी सहपाठियों को उसकी जानकारी दी, अपने रिश्तेदारों को जानकारी दी। अभी हम लोग कुल 19 बच्चे हैं जो कि यहाँ पे पूरे कला दीर्घा में सब कलाकृतियाँ लगी हुई हैं और सभी इसके भागीदार। तो अभी समापन हो रहा तो क्या क्या देखे जा रहा है, क्या सीखे जा रहे हैं सर? सीखने जो सीखा अब यहाँ अपने सबकी पेंटिंग देखी, सबके अपने अपनी कृतियाँ हैं, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, क्या सीखी है सर? सीखने को तो यहाँ पे बहुत कुछ मिला। हम सभी सहपाठियों के साथ साथ जो बड़े कलाकार थे, जिसमें आप खुद भी हैं सर, आप भी आए देखे, तरह तरह की चीज़ें हम लोग को जानने को मिली। जितनी चीज़ें हम लोग क्लास में सीखते हैं या खुद से देख के सीखते हैं, उसके अलावा लोगों ने सराहा, कुछ कमियाँ बताई, कुछ पेंटिंग बिके, कुछ बिकने की राह पर हैं, सभी एक एक करके सुंदर से सुंदर सारे बच्चों की पेंटिंग लगी हुई है। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने परिवार मित्रों के साथ आइए, देखिए, पसंद आए खरीदिए, नहीं तो प्रोत्साहित करिए। हेमंत जी, बहुत सारे कलाकार जो हैं ना, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लंबे समय तक मेहनत करते हैं और बिक्री की दहलीज तक पहुँचते पहुँचते उनको बहुत समय लगता है, लेकिन आप लोगों की पहले ही प्रदर्शनी और बहुत लोगों की पेंटिंग और कृतियाँ बिकी हैं, तो मतलब आप लोग भाग्यशाली हैं, तो कैसे आप महसूस करते हैं? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग भाग्यशाली हैं जो हमें ये मंच मिला, जहाँ पे कि इतनी कम आयु में ही हमारी कलाकृतियाँ बिकने को तैयार हैं। जिस तरह आपने कहा कि ये कुछ लोग जिंदगी लगा देते हैं, फिर भी वो शायद वो मंच किन्हीं किन्हीं को नहीं मिल पाता है, लेकिन आशा करता हूँ मैं कि ये एक शुरुआत है, नाम ही है पहला कदम, इससे आगे हम लोग एक एक कदम करके आगे बढ़ते रहें और सभी कलाकारों को अपना अपना मंच और अपना अपना स्थान मिल सके। ये हम सफ़र कर रहे थे विनायक आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी पहला कदम से, जिसमें 15 साल से 21 साल के प्रतिभागियों की कृतियाँ हैं लगी हुई थी। 19 प्रतिभागी और उनकी ये कृतियाँ, आपने देखा कि ये पहला कदम, पहले कदम में जिस तरह के ये कृतियाँ तैयार कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, शिल्प बना रहे हैं, मूर्तियाँ बना रहे हैं, उसे उम्मीदें बढ़ती हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि कलाकारों को अपनी चीज़ों को बाज़ार में ले जाना, मतलब बेचने के लिए मशक्क़त जो करनी पड़ती है, इन प्रतिभागियों इन कलाकारों को पहला कदम भी इतना अच्छा रहा कि कम से कम आधा दर्जन से अधिक कृतियाँ यहाँ होती हैं। तो ये पहला कदम की भी सफलता है, मार्कंडेय के अजवारे की सफलता है और विनायक आर्ट गैलरी की सफलता और देवघर और पूरे संताल परगना की सफलता है। और ये पहला कदम जो है, सिर्फ पहला कदम नहीं है, आखिरी कदम नहीं है, ये सिलसिला चलेगा। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं और ये सिलसिला जो चल रहा है, फिर इस सिलसिला को जब आगे बढ़ेगा तो हम भी आपके साथ आएंगे और आपको बताएंगे इसके बारे में। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।